नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जी हां, आज आपको एक बड़ी खबर देनी है, एक दिलचस्प खबर देनी है और वो भी रिया चक्रवर्ती के बारे में। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को एक नए शख्स के साथ स्पॉट किया गया है जिसका नाम है राजीव लक्ष्मण। राजीव लक्ष्मण को आप अच्छे से जानते होंगे, आपने 30 मार खान अगर देखी होगी तो उसमें राजीव और रघु दोनों ने जुड़वा भाइयों का किरदार निभाया था। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पहचान जाएंगे। तो आपको बता दें कि राजीव के भाई रघु ने अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी दी थी जिसमें रिया चक्रवर्ती पहुंची थी और रिया चक्रवर्ती ने राजीव के साथ ये फोटो क्लिक करवाई थी जिसमें उन्होंने राजीव लक्ष्मण में ये साफ लिखा था, माई गर्ल। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को गए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और रिया चक्रवर्ती फिर से किसी और शख्स के साथ नजर आ रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया था और काफी समय तक रिया चक्रवर्ती जेल में भी रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि 6 महीने हो चुके हैं सुशांत को गए हुए और इन 6 महीनों में काफी कुछ सामने आया है, रिया को लेकर भी काफी ज्यादा खुलासे हुए हैं। वहीं अब रिया चक्रवर्ती इस नए शख्स के साथ स्पॉट की गई है। जी हाँ, उनकी पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अचानक से रिया अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुकी हैं, वो अपने लिए घर तलाश रही हैं, नए शख्स के साथ घूम रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 2021 मार्च या अप्रैल तक उनकी नई फिल्म भी रिलीज हो जाएगी जिसका नाम है चेहरे। चेहरे में उनके साथ अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं। जी हाँ, अब तक रिया चक्रवर्ती ने जितनी फिल्में दी हैं सारी फ्लॉप गई हैं। अब देखते हैं कि इस फिल्म में रिया चक्रवर्ती क्या करती है, कितने लोग इस फिल्म को देखते हैं, कितने लोग इस फिल्म को बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के लिए भी सुशांत के फैंस का गुस्सा काफी पीक लेवल पर है और वो अब तक है। 6 महीने बीत चुके हैं सुशांत को गए हुए, लेकिन बॉलीवुड को लेकर नाराजगी सुशांत के फैंस के अंदर अब भी है। तो देखते हैं कि अप्रैल में रिया चक्रवर्ती की फिल्म आ रही है चेहरे, उसे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। फिलहाल तो रिया चक्रवर्ती स्पॉट की गई है राजीव लक्ष्मण के साथ, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।